Well, thank you, Gautam. Thank you for the introduction, guys. My name is Mayank, as Gautam said. I've been working in corporate industry for last 13 years now, and I'm supremely excited being here. By the way, this section is not about me. This section is about a champion today, and she's truly a champion. और वो champion पता है क्यों है? Because उनकी story बहुत brilliant है. कोई भी इंसान champion तब बनता है जब उनकी story निकल के आती है और हम सबको लगता है ये कैसे किया उन्होंने. How did it happen? And that's when we call them a champion. It's Aditi Joshi's story, Aditi's story. I know Aditi for last 17 years. मैं अदिति को पिछले 17 सालों से जानता हूँ. We studied electronics together. हमने engineering साथ में की है. She was one of the toppers in the college. However, when I met her few years back, we actually lost contact and we met her again. And when I met her, she had gone through a tough journey, a tough time. In fact, उनकी story brilliant इसलिए है क्योंकि उन्होंने 17 किलो वजन कम किया है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी ओवरकेम द पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस जितने भी होते हैं. मोस्ट मोर इम्पॉर्टेंटली देन दैट, अदिति की जोशी 2 हफ्ते पुरानी नहीं है, 2 महीने पुरानी नहीं है, 2 साल पुरानी है. तो शी इज ऑल्सो टेस्टमेंट कि डब्ल्यू क्यू लाइफ स्टाइल इज वन. जब आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं एंड देन फॉलो इट लाइफ लॉन्ग, इतना सिंपल है, देन यू कैन रियली मेंटेन योर हेल्थ एज वेल. मोर ऑफ अ Not just a weight loss story, a postpartum depression overcome story, but also a maintenance of a health story as well. And with a huge round of applause, can you spotlight Aditi for everybody? Awesome, Aditi, welcome. Welcome to the session. Thank you so much, Mayank. So, hi everyone. As Mayank introduced, I am Aditi. I am a mother of a 6-year-old girl, and I have a IT experience of more than 13 years. And Mayank और मेरा connect, we go long back. Like as he mentioned, हम लोग college time से friends थे. In between, we drifted little bit apart. थोड़ा job हो गया, ये सब हो गया. But then again, we reconnected. After a few years, that's when I told him about my issues and the problems that I was facing, and he was my savior at that time and till now also. अदिति, तो So, थोड़ा सा बताओगे व्हाट वाज द हेल्थ इशू व्हिच यू हैड एट दैट टाइम? क्या हेल्थ इशू थे जब हम मिले थे ऑलमोस्ट 2 साल पहले? आई थिंक 2021 की बात है, 2021, राइट? व्हाट, हाँ, 2021 और 2022 जनवरी, 2022 की बात है. जनवरी. So what happened was, as obesity was my major problem, so I weighed around 83.5 kilograms. उसकी वजह से मेरे को अंडरलाइंग इतने हेल्थ इश्यूज आ रहे थे. लाइक आई वॉज हैविंग एसिडिटी एंड ब्लोटिंग, तो मेरा बहुत ही ज्यादा एक मेजर इशू था. मेरे को बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस भी होता था. लाइक वॉकिंग फ्यू स्टेप्स, कैरिंग माई किड वॉकिंग फ्यू स्टेप्स वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ओवर वेट. एंड उसके अलावा मेरा स्लीप क्वालिटी भी बहुत ज्यादा पुअर था. एंड आई ऑल्सो एक्सपीरियंस पोस्टपार्टम डिप्रेशन आफ्टर माई डिलीवरी. सो बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स आई वॉज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. मुझे अपने आप को देख कर भी लाइक आई यूज टू फील बॉडी शेमिंग कि भाई मैं कैसी थी और मैं कैसी दिखने लगी. आई यूज टू फील शाई गोइंग आउट. मुझे अपने फोटोज भी क्लिक कराने बिल्कुल पसंद नहीं आते थे. एंड यू नो इट टुक अ टोल ऑन माई फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ ऑल्सो. आई रिमेम्बर अदिति, यू वर टेलिंग कि मुझे एसिडिटी इतनी होती थी कि मैं कुछ खाती थी रात को तो भी सुबह यू नो एसिड निकलता था, कुछ नहीं खाती थी तो भी एसिड निकलता. थोड़ा सा बताओगे उसके बारे में? हाँ, तो ऐसा होता था कि लाइक आई डिडेंट नो व्हाट वाज द राइट फूड फॉर मी. तो मैं डिफरेंट कुछ भी खाती थी जो भी नॉर्मल घर में बनता था या व्हाट एवर इट इज. तो मॉर्निंग में व्हाइल ब्रशिंग माई टीथ तो एसिड रिफ्लक्स इतना होता था कि आई यूज टू बाइल पूरा निकल के आता था. नहीं भी खाती थी तो भी एसिडिटी बनती थी बिकॉज ऑब्वियसली दैट वॉज ऑल्सो नॉट गुड फॉर माई गट हेल्थ. तो मतलब बिकॉज ऑफ दैट ब्लोटिंग भी बहुत ज्यादा होता था. आई हैड एक्सेस हेयर फॉल ऑल्सो. वो सारे इश्यूज तो अंडरलाइंग उसके साथ थे ही. सो या दैट वॉज वन ऑफ माई मेजर पेन पॉइंट एट दैट टाइम. ठीक है. अच्छा, तो उस समय थोड़ा सा मतलब जो तुमने बताया ना हेल्थ इश्यूज को, थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट करोगे, व्हाट वाज दैट यू वर रियली गोइंग थ्रू इन लाइफ? इमोशनल इमोशनल स्टेट कैसा था उस टाइम पे? मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो मयंक एकदम आई वुड से बहुत डाउन हो गया था.
मतलब मुझे कहीं फंक्शन अटेंड करने में भी मुझे ऐसा लगता था यार अब मैं जाऊंगी लोग बोलेंगे कि ये अदिति है। एक इनफैक्ट मैं एक इंसिडेंट भी बताती हूँ। मेरे ही घर में मेरे सिस्टर के बेटे का फंक्शन था, सो वी वर यू नो वी वेंट आउट टू शॉप, तो मुझे ड्रेसेस लेने थे। आई वॉज ट्राइंग डिफरेंट ड्रेसेस, लाइक एथनिक ड्रेसेस अपने होते हैं, गाउन्स लहंगा वगैरह। मेरे साइज में कुछ मिल ही नहीं रहा था। मैं उनको बोल रही थी कि भाई एक साइज अप दिखाओ, एक साइज अप दिखाओ। इतना बोलने के बाद वो लोग बोले मैम आप एक साड़ी ले लीजिए, वो फ्री साइज होता है, आपको आप और इससे अप साइज में वी डोंट हैव ड्रेसेस। तो मुझे इतना खराब लगा। उसी फंक्शन में लोग आके मुझसे पूछ रहे थे भाई आर यू एक्सपेक्टिंग सेकेंड चाइल्ड, बिकॉज इतना मेरा ऑब्वियसली इंच बेली फैट था, सब कुछ था, फेस फैट था। तो मुझे इतना खराब लगा, दैट वॉज सीरियसली अ ब्लो टू माई कॉन्फिडेंस कि भाई ये क्या हो गया है मेरे साथ, ये मैं तो ऐसी नहीं थी। तो डेफिनेटली मेरा मेंटल स्टेट काफी यू नो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और बहुत ही खराब था उस टाइम पे। आई अंडरस्टैंड. इनमें मुझे याद है अदिति, वेरी विविडली आई रिमेम्बर वेन वी सैट फॉर द फर्स्ट टाइम विद यू सुदीप, योर हस्बैंड सुदीप. व्हाट वी रियलाइज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज द मेंटल डिप्रेशन विच यू गोइंग थ्रू बिकॉज यू डिड नॉट लाइक क्लिकिंग. आई नो यू एज अ हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन फ्रॉम कॉलेज, राइट? एंड यू डिड नॉट लाइक क्लिकिंग पिक्चर्स एट ऑल. एंड आई कुड नॉट बिलीव जब तुमने बोला कि मुझे पिक्चर्स खिंचवाने पसंद नहीं है इस समय. एंड यू आर समबडी हु नॉट गोइंग आउट एट ऑल इवन फॉर एनी ऑफ द फंक्शंस. यू डिडंट वांट टू गो आउट, राइट? दैट वाज अ होल स्टेट. Very nice. अच्छा, after 2 years, I'm not after 2 years. I think you were in program for 6 months or so. 6 महीने बाद, what was the health condition you had? 6 महीने बाद क्या हुआ? So like of course I lost 17 kgs of weight which was like a big big win for me. उसके अलावा मेरा जो एसिडिटी ब्लोटिंग वो इश्यूज थे, हेयर रिलेटेड इश्यूज थे, दे गॉट रिजॉल्व। उसके अलावा लाइक माय क्वालिटी ऑफ स्लीप वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई। आई यूज टू गेट आई तब से अब तक लाइक आई एम गेटिंग साउंड पीसफुल स्लीप। मेरा जो आई फील एक्टिव नाउ, मतलब अब मैं आई कैन इजिली रन अराउंड प्ले विद माई किड। मेरा मेंटल कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी अप हो गया है एंड आई थिंक मेरा ESR भी काफी बढ़ा हुआ था व्हेन आई फर्स्ट कनेक्टेड विद यू, सो दैट आल्सो केम डाउन, इट इज अंडर कंट्रोल नाउ। तो या डेफिनेटली इट हैज हेल्प मी इन माय ऑल राउंड हेल्थ प्रोग्रेस। अमेजिंग. तो अदिति, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है. महिला संगीत में थोड़ा सा बताओगे क्या हुआ था? व्हाट रियली हाँ हैपेंड? राइट राइट आई फॉरगॉट। सो अभी थोड़े टाइम, अभी नहीं लास्ट ईयर की बात है, तो मेरे नेबर में एक लेडीज संगीत था। सो देवर लाइक कि पहले ना सारे मम्मीज मम्मीज को डांस करने दो, बाद में जो है गर्ल्स गर्ल्स डांस कर लेंगी, जो बाद में अपना धूम धड़ाका कर लेंगी। तो मैं उठ के जाने लगी कि भाई मैं भी मम्मी हूँ, मैं भी पहले डांस कर चुकी। अरे आप कहाँ जा रहे हो, ये तो अभी पहले मम्मियाँ डांस करिए। मैंने कहा मैं भी, मेरी भी 6 5 ईयर्स की बेटी है। कह रहे अरे लग ही नहीं रहा आपको देख के, वी थॉट यू आर अ गर्ल ओनली, मतलब अनमैरिड हो ऐसा लग रहा था। सो लाइक आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी कि भाई मेरी त्वचा से उम्र का पता ही नहीं चलता। वेरी नाइस. तो फ्रॉम अ वेरी नॉट सो हैप्पी मॉम, यू बिकेम अ संतूर मॉम काइंड ऑफ अ पर्सन, राइट? व्हिच इज अमेजिंग. अच्छा, अभी डेफिनेटली कैसा मेंटल स्टेट है? हाउ डू यू फील नाउ? ऑब्वियसली मैंने जैसे बोला मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो अब काफी बेटर हो गया। लाइक आई एम फीलिंग लाइक जैसे मैं पहले थी कॉलेज टाइम में, आई हैव अचीव माय ओल्ड सेल्फ। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आई हैव इंस्पायर्ड अदर पीपल एज वेल विद लाइक विद योर हेल्प। मैंने और 5 लोगों को आई हैव हेल्प एंड इंस्पायर्ड इन ओवरकमिंग देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स अंडर योर गाइडेंस एज वेल। सो डेफिनेटली इट हेल्प्स अ लॉट। मुझे लगता है कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं कहीं जाती हूँ तो माई माई ट्रांसफॉर्मेशन स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। तो सब लोगों ने जिन्होंने मुझे पहले भी देखा और बाद में भी देखा है, प्लीज एक्सक्यूज माई डॉटर, सो दे ऑब्वियसली दे हैव दिस क्वेश्चन हाउ डिड यू डू इट। सो मैं आई ऑलवेज यू नो माई अंक ने मेरे को इतना हेल्प किया, सो आई ऑलवेज टेक योर नेम एंड यू नो यू ऑल्सो हैव हेल्प मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो या दैट वेज अमेजिंग. अच्छा, अभी व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, व्हाट डू सेल्समैन से? यस। सो अभी मेरे कजन की शादी है इन मार्च, सो आई वेंट रिसेंटली फॉर लहंगा परचेजिंग। तो मैंने 3 4 ड्रेसेस ट्राई की एंड आई यू वुडंट बिलीव द शॉपकीपर वाज सेइंग ऐसा लग रहा है आपके लिए ही बनाई है ड्रेसेस। सो द कंट्रास्ट फ्रॉम वेयर आई वाज नॉट इवन गेटिंग अ ड्रेस फॉर माई सेल्फ टू दिस कॉम्प्लीमेंट, आई वुड से अ कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ कि भाई आपके लिए बना है ऐसा लग रहा है। इट वॉज लाइक टोटली लाइक आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, मुझे आई वॉज एंजॉइंग।
फॉर समबडी हु इज सीइंग कि इट्स आपके लिए कुछ नहीं मिलेगा टू समबडी की अभी के लिए बनाए, इट्स अ बिग कॉन्ट्रास्ट, राइट? डेफिनेटली. बिग तो डबल एक्सएल टू एम आई हैव कम डाउन, सो दैट इज अ ह्यूज ह्यूज चेंज एंड थैंक्स टू यू मयंक. मतलब लाइक यू हैव बीन अ लाइफ चेंजर फॉर मी. वेरी नाइस. अच्छा अदिति बताओगे व्हाट आर द टू थ्री थिंग्स व्हिच यू लाइक टू पॉइंट आउट टू कि नहीं दीज वर द गेम चेंजर्स फॉर मी, क्योंकि ये थे तो इसलिए आई हैव बीन एबल टू अचीव व्हाट आई हैव अचीव्ड. तो डब्ल्यू क्यू जो लाइफ स्टाइल मुझे दिया गया, सो मुझे सबसे अच्छा चीज जो लगा कि इट इज वेरी मच सस्टेनेबल. सस्टेनेबल मतलब ये नहीं कि मैं आज कर रही हूँ तो मेरा तो टेस्टिमनी आप देख रहे हो, आई टुक इट 2 years बैक एंड आई एम स्टिल मेंटेनिंग इट. मतलब जो भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि आई एम लीविंग आउट लाइफ थिंग्स, कि भाई मैं भी एक फूडी थी कि मुझे चीट डेज मिलते थे वीक में, मुझे प्रॉपर अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग प्लान मिला और चीट डेज भी मिले, मुझे डे डिटॉक्सेस दिए गए जिससे कि लाइक आई वाज कॉन्स्टेंटली एबल टू अचीव माय गोल. तो जो सस्टेनेबिलिटी है जो मैं आज तक भी कर पा रही हूँ, लाइक नॉट वेरी हैवी जिमिंग, मैं एक जिमिंग की फैन नहीं थी, मेरे से बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं होती थी. लाइट थिंग्स लाइक 10K steps, नॉट ईटिंग लेस बट ईटिंग राइट, सो दैट वॉज डेफिनेटली अ गेम चेंजर फॉर मी. उसके अलावा ऑब्वियसली माई कोच मयंक, आपका जो सपोर्ट था वो मुझे बहुत ज्यादा मतलब वो लगा, लाइक इट वॉज अ गेम चेंजर. वी हैड टू यू नो डेली कनेक्ट तो अपने होते ही थे व्हाट्सएप पे, बट वीकली जो हमारे वीडियो कॉल्स होते थे आपके और मेरे, दैट वॉज डेफिनेटली अ गेम चेंजर फॉर मी, बिकॉज वी वर एबल टू यू नो टॉक आउट एंड डिस्कस द ऑब्स्टेकल्स एंड ओवरकम देम टूगेदर. मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड सुतीर्थ, उनका सपोर्ट भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था. माई किड अमोहा, सो लाइक कुछ लोग होते हैं फैमिली में, अरे भाई इतना पैसा क्यों वेस्ट करना ये सब, बट मेरे सुतीर्थ ने कभी भी ऐसा नहीं कहा, ही वॉज विथ मी विथ थ्रू आउट माई जर्नी. तो डेफिनेटली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू यू नो व्हेन यू आर डिटरमाइंड यू हैव टू डू समथिंग, तो फैमिली के सपोर्ट के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. सो ऑल दीज थिंग्स टूगेदर वर गेम चेंजर्स. So, Aditi, I'll come to the point number one, which you mentioned, very important fact for us to know. So, tum keh rahe ho ki the plan which you followed, are you after 2 years, tum same diet plan, same abhi bhi follow kar rahe ho, ya phir bilkul kuch naya kuch kar rahe ho? मैं कुछ भी नया नहीं कर रही, बिकॉज मुझे बहुत ही आई मीन इट इज सूटेड टू मी. मुझे जो भी खाना दिया गया मैं भूखी नहीं रहती, आई डोंट फील लाइक आई एम स्टार्विंग. जो भी मुझे खाना मिल रहा है मैं खुशी से खाती हूँ. आई गो टू पार्टी, आई एंजॉय दैट फूड ऑल्सो, आई एंजॉय हेल्दी फूड ऑल्सो. तो मुझे आई वुड से स्टार्टिंग में व्हेन वर्क फ्रॉम होम से ऑफिस स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा ट्रांजिशनिंग में मुझे लगा थोड़ा सा टाइम, बट देन आई एम फॉलोइंग द सेम थिंग अप टू मैक्सिमम लाइक 80-90% टाइम्स आई वुड ईट दैट फूड ओनली. And that, do you think that is the reason you have been able to maintain your weight? Because you, डेफिनेटली when we were not connected, you were 66.5. You're still yes. maintaining that weight, 66.5. Yes, I'm still at that weight, and that is the reason because I'm following that lifestyle. I try to walk 10K or more steps every day, and obviously food is the main thing. सो जो भी आपने मुझे डाइट्स दिए आई फॉलो, सो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दैट ओनली, वरना जितना जल्दी लूज होता है उतना जल्दी गेन भी हो जाता है. I know, in fact, this is for everybody. See, diet plan, dieting word, now इतना घिस दिया गया है, now it insinuates to doing something कि हम खाना कम खाएंगे, exercise ज़्यादा करेंगे. अदिति ने ऐसा कुछ नहीं किया. नहीं किया. In fact, if you'll ask Aditi, Aditi ate lot of food. In fact, वो हफ्ते में एक cheat meal भी करती थी. In fact, Aditi used to feel satiated, but she was eating the right food. Once a week cheat meal. Along with that, she was not going to gym. वो ऐसा नहीं है कि बहुत धूम धड़ाका वाली कोई exercises कर रही थी, वो zumba कर रही थी, dance कर रही थी, nothing. She was just walking 10K steps. And Aditi, you continue to do that 10K steps even today. True, true. This So is actually, मैं मयंक ने मुझे बोला भी था कि साथ में थोड़े बहुत exercises भी if you do it will be good. But मैं बहुत ही कामचोर कह लो इस मामले में. So he said, okay, you stick to your steps. That is what I did, and definitely it had helped me. Absolutely amazing, Aditi. Last question. Any advice you like to give to people who are on a journey like you are? Aapki tarah jo results paana chahte hain, 2 saal baad bhi they want to maintain their weight of, let's say, 17 kgs of weight loss. What would you like to advise?
सबसे पहले आई वुड से कि यू हैव टू बी डिटरमिंड. डिटरमिनेशन के लिए यू हैव टू नो व्हाई, फाइंड योर व्हाई. व्हाई डू यू वांट टू लूज वेट और व्हाई डू यू वांट टू अचीव अ सर्टेन गोल. बिकॉज अगर आपका जो गोल है वो क्लियर है आपके माइंड में, सो डेफिनेटली यू विल बी वेरी डिटरमिंड टू अचीव इट. सो दैट इज माई फर्स्ट एडवाइस, लाइक फाइंड योर व्हाई. व्हाई डू यू वांट टू डू इट, नॉट बिकॉज समवन एल्स इज सेइंग, नॉट बिकॉज यू आर वॉट एवर इट इज, जस्ट फाइंड इट एंड देन वर्क ऑन इट. एंड सेकेंडली आई वुड से ट्रस्ट योर कोच, ट्रस्ट योर मेंटर. लाइक मैंने तो मयंक को सौंप दिया था भाई, डांट भी खा ली थी. तो ट्रस्ट देम एंड डिस्कस योर इनहिबिटेशंस या जो भी आपके डाउट्स हैं. सी नॉट सेम प्लान डजंट वर्क फॉर एवरीवन. सो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप नहीं फॉलो कर पा रहे, द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट इट इज वेरी इट दिस प्लान डब्ल्यू क्यू लाइफ स्टाइल, इट्स वेरी फ्लेक्सीबल. आपके ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग आपके कोचेज आपको उसको कस्टमाइज कर सकते हैं. सो मयंक ने मुझे काफी हेल्प किया उसमें भी, बिकॉज मैं बहुत सर्टेन चीजें मैं नहीं खाती थी. मयंक यू रिमेम्बर, मैं पहले बोलती थी ये तो मैं खा ही नहीं सकती, तो आपने उसको भी चेंज किया. सो ट्रस्ट योर कोच एंड डेफिनेटली दैट विल रियली हेल्प यू, एंड इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग वे एज वेल. अमेजिंग अदिति, you have no idea how many people inspired. Look at the messages which are coming. You just have been amazing. Thank you, Aditi. Thank you for being here. Thank And you. Thanks for inspiring. We meet again. Thank you. Thank you.